करवा गुजरात इलेक्शन को नहीं केजरीवाल आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल एक भविष्यवाणी करू साधा पेपर में लिखिं कौन से भविष्यवाणी कौन कहते केजरीवाल जहाँ को नहीं वर्तमान आकलन अलग प्रकार आरंभ हो सब विषय में कथा केमी हेवीवेट मैंने वर्तमान गुजरात मैदान में ओह्लैंट सब दल से नहीं कथा पूर्व देखा टॉप न्यूज 95वें संस्करण में मोदी मन की बात कार्यक्रम G20 अध्यक्षता मिलवा भारत पर एक बड़ सुजोग कहले प्रधानमंत्री भारत जोड़ यात्रा रे पाक समर्थित नारा को नहीं मामला रुजु भारतीय दंड संहिता धारा 153B और 188 अनुजाई अज्ञात व्यक्ति विरोध में मामला पंजीकृत कला पुलिस चर्चा रे बस स्टैंड बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा धमक पर कर्णाटक मैसूर गोटे बस स्टॉप पर निर्मित विवाद गंबुज हटि जा अड़ुआ बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्डा निज मंतव्य को नहीं फसिले निजे गलवान घाटी को नहीं करते विवादीय ट्वीट शेष पर्यायर गुजरात निर्वाचन प्रथम पर्याय निर्वाचन को मात्र 3 दिन बाकी निर्वाचन मैदान में सब् दल चल घमाघोट प्रचार बीजेपी विकास को मंत्र करथिबा बेले आम आदमी पार्टी परिवर्तन नारा देछि निर्वाचन बड़ धरणर ओलटपालट करने को दावी करछि रविवार आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बड़ बयान देखते कौन से बयान बयान न तो भविष्यवाणी करते कहे भूल हेनी सूरत प्रेस मिट कर एथर गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार गढ़ केजरीवाल केवल एक कही ना धला कागज में लिखिकी देखते किस ते पंजाब निर्वाचन बेलू एमती भविष्यवाणी करते केजरीवाल आजरीवाल भविष्यवाणी भी सत सब्यस्त होता निर्वाचन में आप रेकर्ड संख्यक भोट हाथ कांग्रेस चितपटांग मारी बीजेपी स्थित सूचना हो जाता पंजाब एवं गुजरात में मध्य आप पंजाब ठार अधिक भोट पाइब बोली केजरीवाल दंभक्ति करविष्यवाणी कर 27 वर्षर कुशासन गुजरात लोक त्राही मिल रोकठोक कहते केजरीवाल गोटेपटे बीजेपी उपर आप्र नेता जोरदार हमला करपटे आप को कम हमलार सामना करने को पड़ूना आप को संडवासी आक्रमण करजेपी बाछी बाछी एमती प्रसंग में घेरुची जमी आप बचार बाट ना उत्तर प्रदेश फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजरीवाल जोरदार हमला करते दिल्ली रु आसी नमूना आतंकवाद बड़ हितेशी माने आतंकवाद को प्रोत्साहित करुवा लोक हित चाहूवा लोक अयोध्यार राम मंदिर निर्माण को विरोध करुंट पाकिस्तान जाए भारतीय स्थानर ऑपरेशन ने प्रमाण मगुच केजरीवाल भावनगर राली में गीतार पाठ पकड़ जितेबले पापर घड़ा भर्ती जाए ऊपरवाला झाड़ू चला एपटे पुणी 2 दिनिया गुजरात गस्तर जा हरुच में निर्वाचन राली को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस उपर बसी कांग्रेस 75 वर्ष धरी देशर किछि करिनी मोदी कहते डाक्टर इंजीनियर होगा कहे इंग्रेजी पढ़ाक होता इंग्रेजी शिखा लगे बड़ स्तर को जीवा पड़ूगा सहर जाए पढ़ापी गरीब पिलाखे टा कौ आसव एणिकी डाक्टर इंजीनियर होगा कहे निज मातृभाषा पढ़ी पारे एक कथा कहते सी जे मातृभाषा पढ़ाक पड़ो इंग्रेजी पढ़वार आवश्यकता नहीं जो भविष्यवाणी करुंट आधार तार कौन ता जे लोके वर्ष होगा अतिष्ठ हो गले बीजेपी शासन में तेणु जमी पंजाब में काय पलट है ठीक गुजरात में काय पलट हम केजरीवाल कहवा कथा जे जमी पंजाब लोके अतिष्ठ हो जाते से चाहूल एक विकल्प और विकल्प भाव उभाला आम आदमी पार्टी ठीक से ही गुजरात में लोक अतिष्ठ हो गले बीजेपी शासन में तेणु से मैंने एक विकल्प खोजुंट और से विकल्प आम आदमी पार्टी एक आसव एवं आम आदमी पार्टी सरकार गठन कर केजरीवाल दृढ़ोक्ति साधा पेपर में केजरीवाल लिखिक दे आम एथर सरकार गढ़ू तेम ए कथार केत दम अच्छे तो परवर्त समय जना पड़ तेरे प्रथम पर्याय निर्वाचन प्रचार पर हाथ रहा मात्र 3 दिन बाकी अच्छी December 1 में प्रथम दफार कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भोटिंग हम आई प्रचार अंतिम पर्यायर 3 प्रमुख दलर हेवीवेट मैंने गुजरात में डेरा पकड़ देख साल को गुजरात में जमुची प्रचार हेवीवेट नेता लगी सूरत रे पीएम मोदी तो जामनगर रे केजरीवाल नर्मदा जिले रे रोड शो करुछंती कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे महात्मा गांधी जी के बारे में गुजरात रे प्रथम पर्याय निर्वाचनी प्रचार लगी हाथ रे आउ मात्र 3 दिन बाकी December 1 रे प्रथम दफारे कच्छ सौराष्ट्र आउ दक्षिण गुजरात रे भोटिंग हेबो एथिबे प्रचार अंतिम पर्याय रे 3 प्रमुख दल बीजेपी विरोधी कांग्रेस आउ आम आदमी पार्टी रो नेता गुजरात रे एक प्रकार डेरा पकाई धुआंधार प्रचार चली क्षमता को फेरबा को जी जान लगाई देछि बीजेपी
खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ केंद्र गृहमंत्री अमित शाह दलर मंग धरी 27 वर्ष धरी गुजरात रे शासन करुछि बीजेपी आंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सत्वे मध्ये दल रेकर्ड संख्या रे सरकार को फेरियो बोली बीजेपी नेता दावी करुछन्ति। एपटे पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णी दुई दिनिया गस्तरे जाई रविवार दिन प्रथमे सूरत परे भारू जिला रे नेतरंग खेड़ा जिला रो मेमाबाद रे धुआंधार प्रचार करिसेंति। सूरत रे 25 किलोमीटर रोड शो करिसेंति मोदी। मोदी सरकार रो विकास रो गाथा बयान करिसेंति। तीनि तीनिटी सभा रे जोग दे बीजेपी प्रार्थीक पे वोट भिक्षा करिसेंति मोदी। तबे एही अवसर रे कांग्रेस को टार्गेट करबाकू आदो भूली नाहंती पीएम मोदी। खूब बरसिसेंति कांग्रेस मॉडल हेउची वोट बैंक पॉलिटिक्स जातिवादी आउ भाईचारावाद रो प्रतीक बोली कहिसेंति। આટલા બધા વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે રાજ કર્યું પણ આપણા જેવા પછાત સમાજના લોકોને એમને દર્શન ના થયા, એમને ખબર જ ન પડી કે આમની પણ કે અપેક્ષા હોય। આ તમારો દીકરો દિલ્હી બેઠો ને, આ રાષ્ટ્રીય પછાત આયોગ આપણે બનાવી દીધું અને એને સંવૈધાનિક અધિકાર આપી દીધા। અન્યપક્ષે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દુઈ દિનિયા ગુજરાત ગસ્તરે જઈ નર્મદા જિલ્લારે દુઈ દુઈટી સભાકુ સંબોધન કરીછંતિ। સીધા પ્રધાનમંત્રી મોદીંકુ ટાર્ગેટ કરીછંતિ। કહીછંતિ ગુજરાતરે 27 વર્ષ ધરી લગાતાર શાસન કરતુવા બીજેપી પાઈ એબે ગળી કંદીરે પ્રચાર કરુછંતિ પીએમ મોદી। જદી કામ કરીથાંતે તેબે એભળી પરિસ્થિતિ ઉપુજી નથાંતા। ગુજરાતરે કિભળી શાસન ચાલીછી તાર બડો ઉદાહરણ હેઉછી મોરબી ઝુલંતા પોલો દુર્ઘટના, જેઉંતરે 135 જણ લોકંકર મૃત્યુ હોઈથલે મધ્ય પોલો નિર્માણકારી સંસ્થા ઘંટા કંપની ઓરેભા માલિકંકુ કાહીકિ ગિરફ ન કરી છાડી દિયાજાઇછી। એને પ્રશ્ન કરીછંતિ કોંગ્રેસ નેતા। એહી સભારે રાજસ્થાન મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત મધ્ય બીજેપી સરકારકુ ઘેરીછંતિ। બીજેપી સરકાર યહાં પર 27 સાલ સે હુકુમત કર રહી હૈ और 27 साल में जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। जामनगर रे आम आदमी पार्टी रो मुखिया तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो करिछंती। एहा पूर्वरु सूरत रे प्रेस मीट करी प्रतिश्रुति रो वर्षा करिछंती। गुजरात रे आप सरकार आसिले सरकारी कर्मचारी रा पुरणा पेंशन लागू करिये बोली लिखित आकार रे देइछंती। बेकारी ओ गरीब लोकन को प्रत्येक मास रे 3000 टंका दिया जियो बोली दोहराइछंती। एथरो गुजरात रे आप सरकार हेबो बोली दम्भ मध्ये देखाइछंती। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को बोल कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी गई है पंजाब के अंदर, हमारी सरकार बनती और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर। गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गुजरात रे प्रथम पर्याय निर्वाचन डिसेंबर पहिला रे 99 आसन ने हेबा को जाउची। निर्वाचन प्रचार लागि मात्र 3 दिन बाकी थिबा बेले प्रचार एबे अंतिम पर्याय रे पहुचिछि। तेणु खोद प्रधानमंत्री मोदी निज गृह राज्य रे धुआंधार प्रचार चलाइछन्ति। दुई दिन रे 7 सभा को संबोधन करिवार कार्यक्रम रहिछि। दुई सप्ताह के भीतर 15 सभा को संबोधन कर सारे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी पर दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह समेत यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहु केन्द्रीय मंत्री सारा राज्य में विभिन्न क्षेत्र में प्रचार चलाइछन्ति। कांग्रेस पर अशोक गेहलोत प्रचार दायित्व में खोद कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में डेरा पकाइछन्ति।
ସେହିପରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖିଆ କେଜରିୱାଲ ସଦଳବଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସଭା ସମିତିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୁଜରାଟବାସୀ ଏଥର ବିଜେପି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦମ୍ ଦେଖାଉଥିବା ଆପ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏକଥା କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଏକଥା କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାହିଁକି? ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର? ବିଜେପି ରାଲିରେ ଶହ ଶହ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ବିରାମଗାରରେ ବିଜେପି ସଭାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁପି ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ୟୁପିରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ମଡେଲକୁ ଗୁଜରାଟରେ ଆପଣେଇବା ଲାଗି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ୟୁପିରେ ବିନା କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ହିଂସାକାରୀ ହେଉ କି ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଏଥର ସେହି ମଡେଲକୁ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ଏବେ ଇସାରା ଦେଇଛି ବିଜେପି ଯେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆସିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ବକାଚି ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବ, ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସମାନଙ୍କର ଆଉ ତ୍ରାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ମଡେଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାୟଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏମିତି ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ।